पहले हम सिंपल इंडेक्स नंबर हमने पढ़ लिया था। सिंपल इंडेक्स नंबर में हमने सिंपल एग्रीगेटिव मेथड और सिंपल एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड के बारे में बात की थी और उसके हमने सॉल्यूशन, उसका हमने क्वेश्चन भी किया। आज हम वेटेड इंडेक्स नंबर को पढ़ने जा रहे हैं। तो हाउ टू कैलकुलेट वेटेड इंडेक्स नंबर, देर आर टू मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग वेटेड इंडेक्स नंबर। देन फर्स्ट मेथड इज वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड एंड सेकेंड वन इज वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। तो आज हम बात करेंगे फर्स्ट मेथड की, जिसका नाम है वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। इसके फॉर्मूला है P01 इज इक्वल टू समीशन RW अपॉन समीशन W। अब इसमें P01 का मीनिंग क्या है वो समझते हैं। तो P01 मींस इसमें जीरो का मीनिंग जो है वो है बेस ईयर और वन का मीनिंग है करंट ईयर। तो P01 इज इक्वल टू इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर इन रिलेशन टू द बेस ईयर। अब इस फॉर्मूले में R का मीनिंग क्या है, R मींस प्राइस रिलेटिव्स। क्वेश्चंस के अंदर हमें R गिवन नहीं होगा, R हमें निकालना होगा। R को निकालने का फॉर्मूला है R इज इक्वल टू P1 अपॉन P0 इंटू 100, जहाँ पर P1 मींस करंट ईयर, P0 मींस बेस ईयर इंटू 100 और W ये हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, W मींस वेट। तो आइए दोस्तों हम एग्जांपल्स के थ्रू वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को समझते हैं। तो इसका एग्जांपल है हमें गिवन है गुड्स वेट 2010 प्राइस गिवन है और 2017 की भी प्राइस गिवन। हमें जो गुड्स या फिर हमें कमोडिटी गिवन है वो है वीट, राइस, मिल्क, घी एंड शुगर। अब इनके वेट्स इनके सामने दे रखे हैं, तो वेट मान लेते हैं 40, 30, 15, 10 और 5। अब 2010 की प्राइस क्या गिवन है, 100। अब ये दे रखिए क्विंटल में, तो पर क्विंटल। ऐसे 200 पर क्विंटल, 2 पर क्विंटल, 8 पर किलोग्राम एंड 1 पर किलोग्राम। अब कमोडिटी की 2017 की प्राइस क्या है वो भी देख लेते हैं। तो ये दे रखी है हमें 200 पर क्विंटल, 800 पर क्विंटल, 16 पर लीटर, 40 पर केजी और 6 पर केजी। ये आपको गिवन। अब हमें इसमें वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से इंडेक्स नंबर की कैलकुलेशन करनी है, तो हम इसके हम कैलकुलेशन करते हैं नेक्स्ट। तो सबसे पहले जब भी हम कैलकुलेशन करेंगे सबसे पहले हमें क्या लिखना है वो देखते हैं। तो सबसे पहले हमें लिखना है कैलकुलेशन ऑफ इंडेक्स नंबर using weighted average of price relative method।
इसको अंडरलाइन कर दीजिए। जैसा हमें क्वेश्चन की बनता है वैसा हम एक बार फॉर्मेटिंग कर लेते हैं। ये आपका हो जाएगा गुड्स, देन फिर वेट्स, टू थाउजेंड टेन प्राइस, टू थाउजेंड सेवेंटीन प्राइस इन रुपीज, ये आपके हो जाएगा 2010 मींस पी जीरो बेस ईयर है, और 2017 मींस पी वन ये आपका करंट ईयर। ये तो हमें क्वेश्चन में गिवन है इतना इतना। तो यहाँ पर आपकी कमोडिटी देखिए वेट, राइस, मिल्क, घी, और शुगर, वेट दे रखे हैं। वेट को हम डिनोट करते हैं W से। ये आपके दे रखे हैं 40, 30, 15, 30 और 5। पी जीरो आपको गिवन है 100, 200, 2, 8 और 1। ये आपको गिवन 200, 800, 16, 40 और 6। ये हमारा क्वेश्चन जो गिवन था वो उसको हमने उतार लिया। अब हमारा यहाँ से सॉल्यूशन स्टार्ट होगा, क्योंकि हमें इसका फॉर्मूला पता है। क्या फॉर्मूला था? वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव का। तो पी ज़ीरो वन मीन्स प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू। ये हमारा फॉर्मूला था। तो फॉर्मूले में हमें किस किस की नीड है? एक तो आर की नीड है और एक डब्ल्यू की नीड है। तो W तो हमें गिवन है और R हमें निकालना है। R मीन्स प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स। तो प्राइस रिलेटिव्स कैसे निकलता है? पी वन डिवाइड बाई पी ज़ीरो इंटू 100। ऐसे हम क्या निकालेंगे? आपके R को निकालेंगे। तो ये हमने फॉर्मूला पहले ही पढ़ लिया था, पी वन अपॉन पी ज़ीरो इंटू 100। टू हंड्रेड पी वन डिवाइड बाई पी ज़ीरो कितना है? 100 इंटू 100। पी वन डिवाइड बाई पी ज़ीरो इंटू 100, यहाँ पी वन है जो है वो है 16 डिवाइड बाई 2 इंटू 100, 40 डिवाइड बाई 8 इंटू 100 और 6 डिवाइड बाई 1 इंटू 100। इस प्रकार आपके ये आर कैलकुलेट हो जाएगा। अब इसको हम कैलकुलेट करेंगे कितना आएगा? 200, ये आ जाएगा आपके 400, ये आ जाएगा आपके 800, ये आ जाएगा आपके 500 और ये आपके आ जाएगा 600। क्लियर? अब नेक्स्ट जो कॉलम बनेगा वो बनेगा आर डब्ल्यू, क्योंकि फॉर्मूले में हमें समीशन आर डब्ल्यू भी चाहिए। तो आर को हम डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करेंगे तो आर डब्ल्यू आ जाएगा। अब W दे रखा है वेट का 40 और R के बना है 200, तो ये कितना हो जाएगा आपका? 8000। नेक्स्ट हो जाएगा 12000, फिर नेक्स्ट अगेन 12000, नेक्स्ट 5000, नेक्स्ट 3000। इसका हम सम टोटल करेंगे, तो समीशन आर डब्ल्यू कितना आ जाएगा आपके? ये आ जाएगा आपके 40000। और हमें और क्या चाहिए? समीशन डब्ल्यू। तो समीशन डब्ल्यू ये आपके यहाँ से आ जाएगा, समीशन डब्ल्यू। समीशन डब्ल्यू को हम सम करेंगे इसका, तो ये आ जाएगा हमारे 100। ठीक, तो समीशन आर डब्ल्यू इज इक्वल टू 40000 डिवाइड बाय 100। तो आपका आंसर जो आएगा वो आएगा 400। ये आपका प्राइस इंडेक्स कहलाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार से वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड से हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं। क्या किया हमने यहाँ पर? क्वेश्चंस में हमें गुड्स दे रखे थे, वीट, राइस, मिल्क, घी एंड शुगर। सभी के वेट्स दे रखे हैं। वीट का वेट है 40, 30, मिल्क का है 15, घी का 30 एंड शुगर का 5।
और 2010 और 2017 दो प्राइस गिवन है। मैंने जैसा कि आपको पहले भी प्रीवियस वीडियो में बताया था कि हमें हमेशा इस टॉपिक के अंदर दो प्राइस के बारे में बात करेंगे और आगे चलेंगे तो दो क्वांटिटी के बारे में बात करेंगे। कौन कौन सी क्वांटिटी? वही Q1 Q0 और यहाँ पर प्राइस की बात है तो P1 P0 P0 मीन्स बेस ईयर और P1 मीन्स करंट ईयर। तो यहाँ पर हमें P0 और P1 गिवन है, W गिवन है, लेकिन फॉर्मूले में हमें R निकालना है। तो फॉर्मूले से हम तो फॉर्मूले के अंदर हमें R की नीड है, तो हमने R को एक फॉर्मूले से निकाला जो फॉर्मूला है P1 अपॉन P0 इंटू 100। तो हमें P1 दे रखा है और P0 दे रखा है, इसकी हेल्प से हम R निकाल लेंगे। तो हमने वीट का R निकाल लिया, वो आ गया 200। इसी प्रकार सभी कमोडिटी का R हमारे पास में आ चुका है और हम W से इस इंडिविजुअल कमोडिटी को मल्टीप्लाई करेंगे तो इससे हमारा RW आ जाएगा। समिशन ऑफ RW इज इक्वल टू 40,000 और इसमें हम सम करेंगे वीट का 100। तो ये दोनों चीज़ हमने निकाल ली, इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे और हमारा आंसर निकल जाएगा। इस प्रकार से दोस्तों वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड का यूज़ करके हम इंडेक्स नंबर को फाइंड करते हैं। नेक्स्ट मेथड है हमारा सेकंड, वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। देखिए दोस्तों, इन दिस मेथड डिफरेंट इकोनॉमिस्ट हैव सजेस्टेड different techniques of weighting. Some of well-known methods are as under. इसमें यह बताया है वेटेड एग्रीगेटिव मेथड जो है ये एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मोस्ट इम्पॉर्टेंट मेथड है। इस मेथड से ज़रूर एक क्वेश्चन आता है। तो इस मेथड में अलग अलग इकोनॉमिस्ट जो थे उन्होंने अलग अलग टेक्निक्स बताई वेटिंग की, जिसमें से कुछ जो है वो वेल नोन मेथड्स हैं जो कि हम पढ़ेंगे। तो देयर आर थ्री वेल नोन मेथड अंडर वेटेड एग्रीगेटिव मेथड। नंबर वन इज लेसपेयर मेथड। फर्स्ट जो है वो है आपका लेसपेयर का मेथड, लेसपेयर्स मेथड। ये आपका फर्स्ट मेथड आएगा वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। सेकंड जो आएगा वो आएगा आपका पाशे, पाशेज मेथड। एंड थर्ड वन इज फिशर मेथड, फिशर्स मेथड। इस फिशर मेथड को आइडियल मेथड भी बोलते हैं। ये आपके ऑब्जेक्टिव के अंदर एक मार्क का क्वेश्चन आ सकता है। फिशर मेथड को हम आइडियल मेथड भी बोलते हैं। तो आपके तीन मेथड हैं दोस्तों वेटेड एग्रीगेटिव मेथड में। फर्स्ट जो है वो है आपका लेसपेयर मेथड, सेकंड है पाशे मेथड और थर्ड जो है वो आपका है फिशर मेथड। इसको हम फिशर्स आइडियल इंडेक्स मेथड भी बोलते हैं। तो अब हम इनके फॉर्मूले की बात करते हैं। तो फॉर्मूले के अंदर लेसपेयर का फॉर्मूला क्या होता है? वही P01 इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइडेड बाय समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। मैं आपको इसमें फॉर्मूला भी याद करवा दूंगा। इसका फॉर्मूला बनता है P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q1 इनटू 100। और फिशर का फॉर्मूला जो है वह है आपका P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 इनटू समेशन P1 Q1 डिवाइडेड बाय समेशन P0 Q0 इनटू समेशन ऑफ P0 Q1 इनटू 100। तो इसमें हम सम करेंगे या हम इसका अंडर रूट निकाल देंगे। P01 इज इक्वल टू समेशन P1 Q0 इनटू समेशन P1 Q1 डिवाइड बाय समेशन P0 Q0 इनटू समेशन P0 Q1। तो सबसे पहले इसका हम रूट निकालेंगे, उसके बाद जो भी आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब इसमें हम
आइडियल मेथड को कैसे याद करें फिशर के, तो ये सबसे बड़ा टास्क है। नॉर्मल है, लग आपको बढ़ा रहा है लेकिन बहुत नॉर्मल सा है, इसमें क्या करना है हमें, तो लेस पेयर का जो फॉर्मूला है, और सबसे पहले तो मैंने आपको फॉर्मूला याद करवा दिया था कि पी वन अपॉन पी ज़ीरो इन टू 100, ये आपका मेन फॉर्मूला है। तो यहाँ पर हमने वही रखा, समीशन पी वन अपॉन समीशन पी ज़ीरो। अब हम क्या करेंगे, सबसे पहले बेस कहाँ से स्टार्ट करते हैं, ज़ीरो से, तो ऊपर नीचे दोनों तरफ हम ज़ीरो लगा देंगे, यहाँ क्वांटिटी के अंदर ऊपर नीचे हम दोनों जगह ज़ीरो लगा देंगे। स्टार्ट हम ज़ीरो से करते हैं इन टू 100, तो ये आपका लेस पेयर का फॉर्मूला हो गया। और हमें पाशे का फॉर्मूला कैसे याद करना है, तो समीशन पी वन अपॉन पी ज़ीरो इन टू, अब यहाँ पर ज़ीरो आ गया, तो उसके बाद में क्या आता है ज़ीरो के बाद में वन, तो ये आपके वन वन ऊपर नीचे सेम नंबर यूज़ कर लेंगे, और क्यू वन डिवाइड बाई क्यू वन, तो समीशन पी वन पी ज़ीरो और क्यू वन ऊपर नीचे हम मल्टीप्लाई कर देंगे इन टू 100, तो ये आपका इस प्रकार से पाशे का फॉर्मूला आ जाता है। और जब हम लेस पेयर और पाशे दोनों के फॉर्मूले को याद कर लेते हैं, तो फिशर के फॉर्मूला जो है वो इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। द फिशर्स मेथड इज़ द कॉम्बिनेशन ऑफ अ लेस पेयर एंड पाशे। तो यहाँ हमने क्या किया कि यहाँ पर तो हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया लेस पेयर का, और यहाँ हमने फॉर्मूला यूज़ कर लिया पाशे का, दोनों को लिख दिया मल्टीप्लाई करके, और सबसे पहले इनका अंडर रूट निकाल लेंगे हम, उसके बाद में जो भी आंसर आएगा उसको हम 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इस प्रकार से हमारा फिशर जो है, फिशर्स मेथड, उसके अकॉर्डिंग हम फॉर्मूले को अच्छे से याद कर सकते हैं। अब आगे हम एक एग्जांपल के थ्रू अच्छे से इसको समझते हैं कि किस प्रकार से हम लेस पेयर, पाशे और फिशर, इन तीनों के मेथड से क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। हमें क्वेश्चंस के थ्रू इन तीनों मेथड्स को समझते हैं। तो हमने क्वेश्चन लिया, उसमें हमें गिवन है आइटम्स जो कि ए बी सी डी और ई। नेक्स्ट आपको गिवन है 2004 बेस ईयर। इसमें बेस ईयर की आपको प्राइस गिवन है और बेस ईयर की आपको क्वांटिटी गिवन है। प्राइस मींस पी और क्वांटिटी मींस क्यू, और बेस ईयर मींस पी ज़ीरो और ये हो जाएगा आपका क्यू ज़ीरो, ये आपको गिवन होगा। और इसी प्रकार से 2014 ये आपको करंट ईयर गिवन है, ये आपको क्वेश्चंस दे रहा है, क्वेश्चंस के अंदर आपको ये सारी चीज़ें मिलेंगी, जिसके अंदर आगे एन करंट ईयर का मतलब वन, तो ये हो जाएगा आपका प्राइस वन, ऐसा लिख लो, और क्वांटिटी मीन्स क्यू वन, ये आपका क्वांटिटी वन होगी। ये आपका क्वेश्चनिंग फॉर्मेट है। अब 2004 बेस ईयर का हम प्राइस लिखते हैं 10, 35, 30, 10 और 40 हमने लिख लिया, ऐसे हम क्वांटिटी लिख लेते हैं 10, 3, 5, 20 और 2, ये हमने क्वांटिटी लिख लिया। इसी प्रकार से करंट ईयर का प्राइस लिखते हैं आइटम ए का, ये हो गया 20, बी के लिए 40, सी के लिए 20, डी के लिए 8 एंड ई के लिए 40। ऐसी क्वांटिटी वन, ये हमने मान लिया 25, 10, 15, 20 और 5। तो दोस्तों ये आपका जो है ये क्वेश्चनिंग फॉर्मेट है, और हमें जब आंसर निकालना होगा तो सबसे पहले हमें ऊपर लिखना पड़ेगा कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर, किसका यूज़ करते हुए, यूजिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, ऐसा हम लिख लेंगे। अब हम सॉल्यूशन कर रहे हैं, तो सॉल्यूशन के लिए हमें जो क्वेश्चन में पूछेगा, सपोज हमसे तीनों मेथड पूछे हैं कि आप लेस पेयर मेथड भी बताइए, आप पाशे मेथड भी बताइए और आप फिशर का मेथड भी बताइए। तो जब हमसे तीनों मेथड पूछे हैं तो तीनों मेथड्स के अंदर हमारे फॉर्मूलेस क्या होते हैं वो देखिए आप एक बार। तो हम देखते हैं फर्स्ट के अंदर लेस पेयर का फॉर्मूला क्या होगा, तो ये हो जाएगा आपका लेस पेयर मेथड। अब लेस पेयर मेथड के अकॉर्डिंग हमारा फॉर्मूला जो होता है वो होगा पी वन पी ज़ीरो वन इज इक्वल टू
समेशन पी वन क्यू ज़ीरो डिवाइड बाई समेशन पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो इंटू 100। ये हमारे लेस पेयर का फॉर्मूला हो गया। ऐसे ही हम पाशे की बात कर रहे हैं तो पाशे का आपका फॉर्मूला क्या हो जाएगा देखें एक बार। पी ज़ीरो वन इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी वन, अब यहाँ क्यू वन ऊपर नीचे मल्टीप्लाई करेंगे और ये हो जाएगा आपका पी ज़ीरो और ये हो जाएगा क्यू वन इंटू 100। फॉर्मूला तो मैंने आपको याद करवाना बता ही दिया कैसे हमें याद करना है फॉर्मूले को। नेक्स्ट आपके है लेस पेयर मेथड, फिशर मेथड, फिशर्स मेथड। और फिशर मेथड में हम कैसे निकालेंगे, पी ज़ीरो वन इज इक्वल टू सबसे पहले लेस पेयर का फॉर्मूला लिख दो आप एज इट इज, ठीक है। फिर आप किसका फॉर्म लिख दो, फिर आप पाशे का फॉर्म लिख दो, ठीक। उसके बाद में आप इसका रूट निकाल लो एंड उसके बाद में इनटू 100 लिख दो। तो इस प्रकार से हमने फिशर का, अब इन तीनों फॉर्मूलेज में हमें पी वन क्यू ज़ीरो और पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, पी वन क्यू वन और पी ज़ीरो क्यू वन, ये चार बातें हमें चाहिए। तो ये चार बातें चाहिए तो पी वन का मल्टीप्लिकेशन क्यू ज़ीरो से हो, पी वन का मल्टीप्लिकेशन जो है वो क्यू वन से हो, पी ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन क्यू ज़ीरो से हो और पी ज़ीरो का मल्टीप्लिकेशन क्यू वन से हो। तो इसके लिए वापस हम टेबल पर चलते हैं और हमें इनके कॉलम बनाने हैं। तो सबसे पहले हमें क्या चाहिए वो देख लीजिए आप, पी वन क्यू ज़ीरो, तो हम कॉलम बनाते हैं पी वन क्यू ज़ीरो का, ठीक है। पी वन क्यू ज़ीरो एक एक कॉलम बनाते जाएंगे। अब पी वन का मल्टीप्लिकेशन है क्यू ज़ीरो से, ये देख लो आप, तो मल्टीप्लाई कर दीजिए पी वन को क्यू ज़ीरो से, 20 इंटू 10 200, 40 इंटू 3 120, 100, 160 और 80, ये पी वन क्यू ज़ीरो आ गई। इसी प्रकार से हमें और क्या चाहिए आप देख लीजिए, पी वन क्यू वन, तो ये हम निकालेंगे पी वन और ये क्यू वन, ठीक है। अब पी वन को मल्टीप्लाई करोगे आप क्यू वन से, करो ये हो जाएगा 500, ये हो जाएगा 400, हो जाएगा 300, ये हो जाएगा 160, हो जाएगा 200, ठीक है। अब नेक्स्ट आप पी ज़ीरो को क्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई करो, पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, जो जो रिक्वायरमेंट है फॉर्मूले की उसके अकॉर्डिंग आप अपना काम करेंगे। अब पी ज़ीरो इंटू क्यू ज़ीरो, ये पी ज़ीरो और क्यू ज़ीरो इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करो, ये हो जाएगा आपका 100, ठीक है। ये कितना हो जाएगा आपका 105, ये हो जाएगा आपका 150, ये हो जाएगा आपका 200 और ये हो जाएगा आपका 80, ठीक है। साथ में ही यदि हम इसका सम भी कर लें, पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो समेशन पी वन क्यू वन समेशन पी वन क्यू ज़ीरो, तो इसका हम सम टोटल भी निकाल लेंगे साथ में, अभी एक और बाकी है, ठीक है। एक और क्या बाकी आपका, पी ज़ीरो और क्यू वन, इसको भी हम सम टोटल कर लेते हैं। तो पी ज़ीरो और क्यू वन को मल्टीप्लाई करते हैं, ये हो जाएगा आपका पी ज़ीरो और ये हो जाएगा आपका क्यू वन, करें मल्टीप्लाई 250, ये हो जाएगा आपका 350, ये 450, ये 200 और ये भी आपका 200। अब इन सबको आप सम कर लेंगे, सम कर लीजिए, ये आपका पी वन और क्यू वन इनका सम कर लो आप, ये हो जाएगा आपका 1560। समेशन पी ज़ीरो क्यू वन देख लीजिए आप, ये हो जाएगा 1450। पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो सम टोटल कर लो इसका, ये हो जाएगा आपका 635 और पी वन क्यू ज़ीरो ये हो जाएगा आपका 660। तो इस प्रकार से हमारा जो क्वेश्चन है वो सॉल्व हुआ। सबसे पहले हमें क्या लिखना है कि कैलकुलेशन ऑफ प्राइस इंडेक्स नंबर किस मेथड को यूज़ करके, यूजिंग वेटेड एग्रीगेटिव मेथड, बात समझ में आ रही है, ठीक है। और नेक्स्ट जो है फिर हमें जो जो चीज़ क्वेश्चन में पूछ रही, यानी लेस पेयर के मेथड के अकॉर्डिंग हमसे पूछा ये निकालना है, तो अब हम इसके अंदर सॉल्यूशन करेंगे।
तो पी जीरो वन इज इक्वल टू समीशन पी वन क्यू जीरो कितना है, देखें आप पी वन क्यू जीरो ये 660 डिवाइड बाई समीशन पी जीरो क्यू जीरो कितना है, पी जीरो क्यू जीरो ये आपका 635 इंटू 100। क्लियर, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, इसको हम सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व कर लीजिए एक बार देखते हैं कितना आता है। 660 डिवाइड बाय 635 ये आपका आ जाएगा 103.9370 है तो हो जाएगा 94। क्लियर, तो ये आपका इस प्रकार से लेस पेयर मेथड के अकॉर्डिंग आंसर जो आया इंडेक्स नंबर वो कितना आया 103.90। ऐसे हम पाशे मेथड के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर निकालते हैं। ठीक, तो इसमें देखें समीशन पी वन क्यू जीरो पी वन क्यू वन कितना है, तो पी वन क्यू वन दे रखा है 1560 डिवाइड बाय पी जीरो क्यू वन कितना है, ये दे रखा है 1450 मल्टीप्लाई 100। इसको सॉल्व कर लीजिए 1560 डिवाइड बाय 1450 ये आ जाएगा आपके 107.5862 है तो 59 कर दीजिए, ये आपके पाशे मेथड के अकॉर्डिंग इंडेक्स नंबर आ गया। क्लियर, अब नेक्स्ट जो है वो आपके है फिशर का मेथड। अब फिशर मेथड में क्या करना है हमें कि जो हमने यहाँ देखो मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है, यहाँ पर मल्टीप्लाई बाय 100 नहीं है, तो हम यहाँ पर पॉइंट डबल ये पॉइंट जो लगाया हमने तो हम अब यहाँ पर पॉइंट कहाँ लगाएंगे, वन के बाद में पॉइंट ज़ीरो। क्लियर, ऐसे ही मल्टीप्लाई, अब यहाँ पर कितना है आपका 1.07.5 नहीं तो हो जाएगा 1.07। ठीक, इसको हम रूट कर लेंगे इनटू 100, या इसको हम पूरा पूरा भी लिख सकते हैं जैसा आपने ये किया है ना, इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं, पूरी की पूरी वैल्यू लिखो आप। समीशन पी वन क्यू जीरो कितना है, तो पी वन क्यू जीरो है 660 डिवाइड बाई पी जीरो क्यू जीरो कितना है 635 इनटू पी वन क्यू वन कितना है 1560 डिवाइड बाई 1450। इसका रूट निकाल लो पहले, उसके बाद में आप 100 से मल्टीप्लाई कर लो, तो आप दोनों तरीक़ों से कर सकते हो, आंसर सेम रहेगा। ठीक, यहाँ पर हमने 0.94 था ना ये, तो हम इसको 1.04 भी कर सकते हैं, एक डिजिट बढ़ जाएगा, और ये 1.0759 है ना, तो ये 1.08 हो जाएगा इंटू 100। इसको पहले आप तो इसको सॉल्व कर लेंगे, तो सॉल्व करके हमारा आंसर कितना आएगा, ये आएगा 105। तो फिशर के मेथड के अकॉर्डिंग आंसर जो है वो हमारा है इंडेक्स नंबर 105। पाशे मेथड में हमने इंडेक्स नंबर निकाला 107.59 और लेस पेयर मेथड के अकॉर्डिंग हमने इंडेक्स नंबर निकाला 103.94। तो ये लेंदी ज़रूर है लेकिन बहुत इजी सा कंसेप्ट है, जैसा कि आप देख रहे हैं आपको क्वेश्चनिंग फॉर्मेट जो है वो एग्ज़ाम्स में आपको क्वेश्चन जो मिलेगा वो इतना ही मिलेगा। पहले आपको ये दे देगा आइटम्स, फिर आपको दे देगा बेस ईयर की प्राइस देगा और क्वांटिटी देगा। बेस का मतलब क्या होता है, जैसे कि हमने प्रीवियस वीडियो से कहा बेस मींस हम जब भी कुछ भी चीज़ स्टार्ट करते हैं तो ज़ीरो से स्टार्ट करते हैं, तो इसलिए बेस ईयर का प्राइस हो जाएगा पी ज़ीरो और बेस ईयर की क्वांटिटी हो जाएगी क्यू ज़ीरो। यहाँ पर क्यू वर्ड का यूज़ किया गया फर्स्ट टाइम, इससे पहले हमने सिर्फ प्राइस पढ़ा, क्योंकि हम वेटेड पढ़ रहे हैं तो वेट के अंदर क्या आएगा, इसमें क्वांटिटी भी गिवन होगी कितनी क्वांटिटी है, ठीक है, उस आर्टिकल की और उसका प्राइस कितना है। तो यहाँ पर हम देख रहे हैं करंट ईयर, तो करंट ईयर के अंदर करंट ईयर मीन्स वन, तो प्राइस जो है करंट ईयर की वो पी वन और क्वांटिटी करंट ईयर की हो जाएगी क्यू वन। क्लियर, तो ये तो हमारे पास क्वेश्चन वाला फॉर्मेट था, क्वेश्चनिंग फॉर्मेट गिवन है। यहाँ से इस क्वेश्चनिंग फॉर्मेट यहाँ से हम जो स्टार्ट करेंगे वो हमारा सॉल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। ठीक, लेकिन हमें एग्ज़ाम्स में ये क्वेश्चनिंग फॉर्मेट दे रखा होगा, ठीक है, और हमें एग्ज़ाम्स में पूरा का पूरा सॉल्यूशन इसका करना पड़ेगा, इतना हमें क्वेश्चंस कॉपी करना है और इतना हमें फिर अपनी तरफ से आंसर, या अपनी तरफ से क्या है, ये जो भी आपका फॉर्मूला जो बोल रहा है, जो फॉर्मूले के अंदर रिक्वायरमेंट है, हमने उस एलिमेंट को यहाँ पर यूज़ किया, इसका सम कर लिया तो समीशन आ गया। बात समझ में आ रही है, ठीक है, तो इस प्रकार से वेटेड एग्रीगेटिव मेथड का यूज़ करके हम प्राइस इंडेक्स निकालते हैं, जिसमें अलग अलग
स्टैटिशियन ने, इकोनॉमिस्ट ने अपने अलग अलग मेथड को दिया, जिसमें तीन मेथड जो है वो आपके पॉपुलर हैं, जिसमें फर्स्ट है लेस पेयर एंड सेकंड जो है वो है पाशे और थर्ड जो है फिशर मेथड। तो दोस्तों आज हमने वेटेड एग्रीगेटिव मेथड को पढ़ा, जिसमें हमने लेस पेयर मेथड, पाशे मेथड और फिशर के मेथड के फॉर्मूलेस को हमने देखा, इसको किस प्रकार से पुट करते हैं क्वेश्चंस के थ्रू। एक क्वेश्चन हमने लिया, उस क्वेश्चंस में हमने लेस पेयर मेथड, पाशे मेथड और फिशर, इन तीनों के मेथड से हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया। तो आपके एग्जाम्स में किसी भी एक मेथड से एग्जामिनर पूछ सकता है, या तो वो क्वेश्चंस के अंदर बोल देगा कि कंप्यूट द इंडेक्स नंबर यूजिंग फिशर मेथड और यूजिंग लेस पेयर मेथड और यूजिंग पाशे मेथड, ठीक है। और दोस्तों एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से जो इम्पोर्टेंट मेथड है वो है आपका फिशर का मेथड, क्योंकि फिशर के मेथड के थ्रू वो आपसे लेस पेयर भी देख लेगा और पाशे भी, क्योंकि फिशर के मेथड में आपका लेस पेयर मेथड भी है और पाशे मेथड भी, दोनों इंक्लूड है। तो आपको यहाँ पर लेस पेयर और पाशे दोनों के फॉर्मूले याद होने चाहिए, फिशर का फॉर्मूला जो है इन दोनों का कॉम्बिनेशन है। इस प्रकार से हमने इंडेक्स नंबर का कैलकुलेशन किया वेटेड एवरेज को यूज़ करते हुए। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स को कंप्यूट करने के दो मेथड्स हैं, ठीक। फर्स्ट मेथड जो है वो आपका कहलाएगा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। फर्स्ट मेथड इज एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। And second method is family budget method. Aggregative expenditure method, this method is similar to the less pairs method. यह method एकदम less pair method के similar है, ठीक है। इसके अंदर formula क्या होगा वो देखते हैं। इसके अंदर जो हमारा formula होगा वो है, जैसे हम less pair method के अंदर use करते थे P01 is equal to summation of P1 Q0 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। तो यहाँ पर भी हम सेम फार्मूला यूज़ करेंगे, बट यहाँ P01 की जगह हमें क्या लिखना है, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इन शॉर्ट वी कैन से CPI। CPI स्टैंड फॉर कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, देन कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ P1 Q0 डिवाइड बाई समेशन ऑफ P0 Q0 इनटू 100। तो सेम फॉर्मूला वही यूज होगा जो कि हमने लेस पेयर के मेथड में यूज किया था, क्लियर। अब यहाँ पर अगेन P1 का मीनिंग क्या है तो देखते हैं। P1 मींस वही अपना करंट ईयर कमोडिटी प्राइस, यानी कोई सी भी कमोडिटी है तो उसका हमें करंट ईयर का प्राइस जो है वो P1 कहलाएगा, जैसा कि हम प्रीवियस वीडियो में समझ चुके हैं। और P0 का मीनिंग क्या हो जाएगा आपका, P0 बोले तो बेस ईयर, तो बेस ईयर कमोडिटी प्राइस। अब यहाँ Q0 का मीनिंग क्या है वो देखते हैं, तो Q0 का मीनिंग यहाँ पर हो जाएगा आपका जीरो मीन्स बेस ईयर और Q मीन्स क्वांटिटी। तो आपने कितना क्वांटिटी का कंज्यूम्ड किया वो आपका क्वांटिटी कंज्यूम्ड ऑफ बेस ईयर, मीन्स बेस ईयर क्वांटिटी कंज्यूम्ड, दैट मीन्स Q0, क्लियर। तो P1, P0 और Q0 तीनों का मीनिंग आप समझ गए जो कि फॉर्मूले के अंदर हमें यूज़ किए गए हैं, ठीक है। एक बार वापस देख लेते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इसे है, इसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर, ठीक है। देर आर टू मेथड्स ऑफ कंप्यूटिंग कंज्यूमर्स प्राइस इंडेक्स। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को कंप्यूट करने के दो मेथड्स हैं। पहला मेथड जो है वह है हमारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड, और सेकेंड मेथड जो है वह है हमारा फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड को अभी हम समझेंगे, लेकिन पहले हम एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड को अच्छे से समझ लेते हैं।
तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो है वो बिल्कुल सिमिलर है लेस पेयर मेथड की तरह। हमने बात की थी लेस पेयर मेथड और पाशे और फिशर आइडियल इंडेक्स नंबर, ठीक है, तो वहाँ हमने लेस पेयर मेथड की बात की थी। तो बिल्कुल यह मेथड जो है वो सिमिलर है किसके, लेस पेयर के मेथड के। इसका फॉर्मूला क्या होगा वो हम देखते हैं। सी पी आई मीन्स कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी वन क्यू जीरो डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी जीरो क्यू जीरो इंटू 100। अब यहाँ पर पी वन का मीनिंग क्या है, तो वो है करंट ईयर की कमोडिटी प्राइस, और पी जीरो मीन्स बेस ईयर कमोडिटी प्राइस, एंड क्यू जीरो मीन्स बेस ईयर क्वान्टिटी कंज्यूम। अब नेक्स्ट हम पढ़ते हैं फैमिली बजट मेथड। देखिए फैमिली बजट मेथड, दिस मेथड इज सिमिलर टू वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड। ये भी हम पहले पढ़ चुके हैं। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स कोई भारी टॉपिक नहीं है, बहुत सिंपल सिंपल सा टॉपिक है। बस इसके अंदर हमें लेस पेयर मेथड और वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड को अच्छे से रिमाइंड करना है। बाकी बहुत सिंपल सा मेथड है आपके। इसका फॉर्मूला हमने पढ़ चुके हैं पहले, तो फॉर्मूला क्या था इसका, वही यहाँ पर हम सी पी आई वर्ड का यूज़ करेंगे क्योंकि कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स का है ना। तो कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइड बाई समेशन डब्ल्यू। अभी आप बोलोगे बोलो ये वाला फॉर्मूला तो पहले भी पढ़ चुके हैं। यस, तो यहाँ पर आर का मीनिंग क्या है बताइए, प्राइस रिलेटिव्स, प्राइस रिलेटिव्स ऑफ वेरियस आइटम्स, ठीक है। और हमने पता है आर का जो फॉर्मूला हमने यूज किया था वो क्या यूज किया था, आर इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100। ये हमारा बेसिक फॉर्मूला है इस इंडेक्स नंबर टॉपिक का, आर इज इक्वल टू पी वन अपॉन पी जीरो इंटू 100, जिसमें पी वन का मीनिंग क्या था, करंट ईयर प्राइस, वन मीन्स करंट ईयर, और हम किसी भी काम को शुरू करते हैं कहाँ से शुरू करते हैं, बेस से, मीन्स प्राइस ऑफ बेस ईयर इंटू 100। तो इससे हमारा प्राइस रिलेटिव्स निकल जाएगा। अब बात करते हैं W की, तो W का मीनिंग भी हमने पढ़ा था वेट्स, क्लियर। अब यहाँ पर वेट्स ऑफ वेरियस आइटम्स, तो कहने का मीनिंग यह है बहुत सिंपल सा मेथड है आपका कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स मेथड। इसका दूसरा नाम है कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर। इसके दो मेथड्स थे जिसमें हमने फैमिली बजट मेथड को पढ़ना था। यह मेथड जो है वो आपके एकदम वेटेड एवरेज ऑफ प्राइस रिलेटिव मेथड की तरह है, जिसका फॉर्मूला है समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, क्लियर। अब यहाँ पर आर की बात थी, तो आर हमें यहाँ पर फाइंड करना है, तो इसके लिए हमें क्वेश्चन के अंदर पी वन और पी जीरो गिवन होंगे, उसके हेल्प से हम आर को फाइंड करेंगे और वेट गिवन होगा। अगेन आर और डब्ल्यू को दोनों को मल्टीप्लाई करके इसका सम निकालेंगे सभी कमोडिटी का, तो वो समेशन हो जाएगा, देन समेशन आर डब्ल्यू, एंड वेट का हम जब टोटल निकालेंगे तो उसका सम करने पर समेशन ऑफ डब्ल्यू आ जाएगा, क्लियर। उसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे। इस प्रकार से हम फैमिली बजट मेथड और एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड को समझते हैं। मैं इस प्रकार से क्वेश्चन गिवन होगा लाइक फाइंड द कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स और द कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फॉर द करंट ईयर from the following data by दो मेथड का यूज करना है, अगेन एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड सेकेंड इज फैमिली बजट मेथड। फैमिली बजट मेथड, अब हमें क्वेश्चंस किस प्रकार से गिवन होगा देखिएगा। हमें क्वेश्चंस में गिवन है आर्टिकल्स,
अब आर्टिकल्स कौन कौन से होएंगे देखें एक बार क्वेश्चन, लाइक राइस, वीट, पल्सेस, घी और ऑयल, क्लोथिंग, फायरवुड, हाउस रेंट, ये आपके आर्टिकल गिवन है। अब क्वेश्चन में आपको क्वांटिटी गिवन होगी, अब क्वेश्चन क्या बोलेगा, तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर, इसको हम क्यू जीरो बोल सकते हैं, क्योंकि जीरो मीन्स हो गया आपका बेस ईयर और क्यू मीन्स क्वांटिटी, मीन्स क्वांटिटी कितनी कंज्यूम की, ठीक है। तो क्वांटिटी कंज्यूम्ड इन बेस ईयर वो उसको हम मान लेते हैं, जैसे ये है 5 क्विंटल, ये हो गया आपका 1 क्विंटल, 2 क्विंटल, 4 kg, 5 लीटर, 40 मीटर्स, ये 10 क्विंटल, ये आपका 1 हाउस, ये आपके क्यू ज़ीरो गिवन। नेक्स्ट पी ज़ीरो, पी ज़ीरो मीन्स बेस ईयर प्राइस, तो ये आपका दे दिया 24 पर क्विंटल, 16 पर क्विंटल, 12 पर क्विंटल, ये आपको दे दिया सपोज 5 पर केजी, 4 पर लीटर, 1 पर मीटर, 2 पर क्विंटल, 20 पर हाउस, ये आपको पी ज़ीरो गिवन है। और पी वन भी हमें क्वेश्चन में गिवन होगा, पी वन मीन्स, वन मीन्स करंट ईयर और पी मीन्स प्राइस, मीन्स करंट ईयर प्राइस, लाइक 30 पर क्विंटल, 20 पर क्विंटल, 18 पर क्विंटल, 6.25 पर केजी, 5 पर लीटर, 1.50 पर मीटर, 2.50 पर क्विंटल, और ये आपके 25 पर हाउस। ये आपके क्वेश्चनिंग फॉर्मेट है, इस प्रकार से एग्जामिनर क्वेश्चंस आपको देगा और आपसे बोलेगा कि आपको कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स या फिर कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स नंबर फाइंड करना है। क्या कौन कौन से मेथड को यूज़ करके, यूजिंग एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड एंड यूजिंग फैमिली बजट मेथड। तो अब हमारा सॉल्यूशन जो है वो स्टार्ट होगा, ये आपका क्वेश्चनिंग फॉर्मेट हो गया, अब सॉल्यूशन हम स्टार्ट करते हैं। तो सॉल्यूशन में हमें क्या क्या चाहिए, देखो सॉल्यूशन कैसे बनता है, ये सॉल्यूशन डिपेंड करता है आपके फॉर्मूले पे, आपका फॉर्मूला को क्या क्या नीड है। तो हम देखते हैं, हमें दो मेथड से निकालने, फर्स्ट मेथड जो है वो हमारा आएगा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड। तो एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड का फॉर्मूला क्या है वो देखते हैं। तो हमने जैसा कि देखा था कि एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड जो है उसका फॉर्मूला बिल्कुल सेम जो आपका होगा वो बिल्कुल किसकी तरह है, लेस पेयर की मेथड की तरह। तो देखते हैं, कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स इज इक्वल टू समेशन ऑफ पी वन क्यू ज़ीरो डिवाइड बाई समेशन ऑफ पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो इंटू 100। क्लियर। तो अब यहाँ पर हमें क्या क्या नीड है, तो हमें यहाँ नीड है पी वन क्यू ज़ीरो की और पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो की। तो बना लेते हैं, देख लीजिए, तो ये आपका आ जाएगा पी वन और क्यू ज़ीरो। तो पी वन को आपको क्यू ज़ीरो से मल्टीप्लाई करना है, देख लीजिए क्या क्या आएगा, 150, 20, 36, ये आपके आ जाएगा, मल्टीप्लाई कर लेते हैं इसको, 4.625, 25। क्लियर। ये आपके आ जाएगा 25। देन 60,
देन 25, देन 20, फिर आपके आ गया पी वन क्यू ज़ीरो, क्लियर। नेक्स्ट आपके हमें निकालना है फॉर्मूले के अकॉर्डिंग क्या मांग रहे हैं, पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, ये हो जाएगा आपका पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, पी ज़ीरो को क्यू ज़ीरो से आप मल्टीप्लाई करो, ये आ जाएगा आपके 120, फिर 16, देन 24, देन 20, देन 20, देन 40, देन 20, देन 20, तो आपके पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो भी निकल गए, क्लियर। अब हम इसका सम कर लेते हैं, समेशन ऑफ पी वन क्यू ज़ीरो एंड इधर द समेशन ऑफ पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो, पी वन क्यू ज़ीरो आप ऐड कीजिए कितना आता है देखते हैं, 150 प्लस 20 प्लस 36 प्लस 50 प्लस 60 प्लस 50, तो ये आपके आ गया 366, क्लियर। ऐसे हम निकालेंगे, सम करेंगे पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो का, 120 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 40 40 80 और 40 120, तो आपके आ गया 280, ठीक है, ये आपके 280 आ गए। अब जो हमने कैलकुलेशन की है उसे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं, देख लीजिए। तो समीशन पी वन क्यू ज़ीरो जो है वो आपका है 366 डिवाइड बाय समीशन पी ज़ीरो क्यू ज़ीरो आपका 280 मल्टीप्लाई बाय 100, तो आपका यहाँ पर आंसर कितना आ जाएगा, इसको आप सॉल्व करोगे तो ये आ जाएगा आपके 130.71, क्लियर। तो ये आपके कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड के अकॉर्डिंग इतना हम निकल जाएगा, ये आपका आंसर हो गया, क्लियर। अब इसी क्वेश्चंस को हम नेक्स्ट मेथड बोले तो सेकंड कौन सा मेथड था, फैमिली बजट मेथड, तो फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग हम इसे फाइंड करते हैं। तो फैमिली बजट मेथड के अंदर मेन फॉर्मूला क्या था पता है, समेशन आर डब्ल्यू अपॉन समेशन डब्ल्यू, ये हमारा मेन फॉर्मूला था। अब यहाँ पर मेन बात जो है वो है आर और डब्ल्यू की, ठीक है, आर और डब्ल्यू की। तो हम देखते हैं यहाँ पर आर कैसे फाइंड करेंगे, तो आर तो हमें फाइंड करना आता है, फॉर्मूला है पी वन अपॉन पी ज़ीरो इंटू 100, इससे हम आर फाइंड करेंगे। अब बात आती है सर डब्ल्यू, तो डब्ल्यू जो होगा वो कैसे निकलेगा, डब्ल्यू जो है वो आपका पी ज़ीरो और क्यू ज़ीरो इसको हम मल्टीप्लाई कर दें तो ये आपका डब्ल्यू आ जाता है, क्लियर है। ये मैं आपको इस क्वेश्चंस के थ्रू समझाता हूँ कि डब्ल्यू का हमें कैलकुलेशन कैसे करना है। तो देखेंगे एक बार, सबसे पहले हम आर फाइंड कर लेते हैं, तो आर कैसे निकलता है दोस्तों, पी वन अपॉन पी ज़ीरो इंटू 100, तो हम आर निकालते हैं, देखिए पी वन कितना है 30 अपॉन पी ज़ीरो कितना है 24 इंटू 100, देन पहले इसको हम कर लेते हैं देन बाद में सॉल्व कर लेंगे, 20 अपॉन 16 इंटू 100, 18 बाय 12 इंटू 100, देन 6.25 डिवाइड बाय 5 इंटू 100, देन 5 डिवाइड बाय 4 इंटू 100, देन 1.50 डिवाइड बाय 1 इंटू 100, देन 2.50 डिवाइड बाय 2 इंटू 100, देन 25 डिवाइड बाय 20 इंटू 100। तो इस प्रकार से हम पी वन डिवाइड बाय पी ज़ीरो इंटू 100 से हम आर निकालेंगे, तो इसको हम कैलकुलेट करके इनके सामने लिख देंगे। तो फर्स्ट का कितना आएगा बताएं, आर फर्स्ट का आर आपके हो जाएगा ये 125, सेकंड का अगेन 125, ठीक है, थर्ड का आपके आ जाएगा 150, फोर्थ का आपके आ जाएगा 125, फिफ्थ का अगेन आपके 125, सिक्स्थ का आपके आ जाएगा 150, ये 125, अगेन ये भी आपका 125
फाइव, ठीक है। अब इन सब को हम सम कर लेंगे, जो आपका आर है ना, इसको वैसे सम करने की इसकी नीड नहीं है, हमें इसको डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। जो भी हमारा जो आ रहा है इसको हमें डब्ल्यू से मल्टीप्लाई करना है। अब मेन कैलकुलेशन जो है वो है वेट। वेट कैसे निकलता है ये देखें, देखो वेट को यहाँ पर सेपरेट फॉर्म में नहीं दिया है कि W हमें, वैसे तो क्वेश्चन में W हमें सेपरेटली गिवन होता है, लेकिन यहाँ पर हमें W जो है वो सेपरेट फॉर्म से गिवन नहीं है, तो हमें क्या करना है वेट निकालने के लिए, P0 और Q0 इन दोनों को हम यदि मल्टीप्लाई कर देते हैं तो भी वेट निकल जाता है, ठीक। तो P0 और Q0 को मल्टीप्लाई करते हैं, देखें तो फर्स्ट का आप क्या आएगा 120, देन 16, देन 24, देन 20, देन अगेन 20, देन 40, देन 20, देन 20, क्लियर। तो आपके W फाइंड हो गया। अब हमें R और W दोनों को मल्टीप्लाई कर देना है, इससे हमारा क्या आ जाएगा RW। हमें जैसा जैसा क्वेश्चन के अंदर हम जब सॉल्व कर रहे हैं उसको, और जो जो हमें फॉर्मूले के अंदर नीड है उसके अकॉर्डिंग टेबल बनती जाएगी, तो RW निकालते हैं हम। तो RW आपके क्या आएगा देखें एक बार, 120 इंटू 125, तो ये आपके आ जाएगा 15,000। नेक्स्ट इज ये आ जाएगा आपके 2,000। नेक्स्ट आ जाएगा आपके 3,600। नेक्स्ट वन इज 2,500, देन नेक्स्ट अगेन 2,500, नेक्स्ट आ जाएगा आपके 6,000, नेक्स्ट इज 2,500 एंड नेक्स्ट इज 2,500, क्लियर। अब हम इस आर डब्ल्यू का सम करेंगे, समेशन ऑफ आर डब्ल्यू इज इक्वल टू, इन सबको हम सम कर देते हैं तो कितना आएगा देखते हैं एक बार। ये आ जाएगा आपके 15,000 प्लस 2,000 प्लस 36,600, क्लियर। और समेशन W करते थे तो आपके हो जाएगा 120 प्लस 16 प्लस 24 प्लस 20 प्लस 20 प्लस 40 प्लस 40 280, ये आपके आ गया 280, क्लियर। अब इसे हम फॉर्मूले में पुट कर देते हैं तो ये आपके आ जाएगा 36,600 डिवाइड बाय 280। इसको हम सॉल्व कर देंगे तो आपके आंसर आ जाएगा अगेन 130.71। तो ये आंसर जो है वो हमारा फैमिली बजट के अकॉर्डिंग हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स को फाइंड किया। तो इस प्रकार से दोस्तों हम कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, या हमें क्वेश्चन में बोल दे कि कॉस्ट ऑफ लिविंग इंडेक्स निकालना है, तो हम इस दोनों मेथड यानी एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड या फैमिली बजट मेथड, दोनों मेथड के अकॉर्डिंग हम कंज्यूमर प्राइस नंबर को फाइंड कर सकते हैं। और जैसा कि आप देख रहे हैं दोनों मेथड से आंसर जो है वो हमारा क्या आ रहा है, सेम 130.71 एंड 130.71। तो क्वेश्चन देखने में तो बहुत बड़ा लग रहा है इसका सॉल्यूशन, लेकिन एक्चुअल में ये बड़ा सॉल्यूशन नहीं है। जैसा जैसा हमारा फॉर्मूला बोलता है वैसे वैसे हमें टेबल्स को बनाना होगा। क्वेश्चन एग्जाम्स में आपको क्वेश्चंस जो है वो इतना ही गिवन है, क्लियर, लेकिन हमें सॉल्यूशन जो है वो यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा हमारा सॉल्यूशन। तो इस प्रकार से दोस्तों ये हमारा एग्रीगेटिव एक्सपेंडिचर मेथड और फैमिली बजट मेथड के अकॉर्डिंग हमने कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स नंबर फाइंड किया। आई होप आपको ये क्वेश्चन समझ में आया होगा। नेक्स्ट मेथड है हमारा होलसेल प्राइस इंडेक्स मेथड। देखिए इस मेथड के अंदर क्या बता रखा है, जैसा नाम वैसा काम। होलसेल का मीन्स यानी कि कहीं ना कहीं होलसेल मार्केट से इसका रिलेटेड रिलेशन है। देखते हैं एक बार क्या बोल रहा है इसमें पॉइंट्स, कि WPI मीजर्स, WPI मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स, मीजर्स द रिलेटिव चेंजेस इन द प्राइस ऑफ कमोडिटी ट्रेडेड इन होलसेल मार्केट। मीन्स होलसेल प्राइस इंडेक्स मीजर करता है कि किसी भी कमोडिटी जो कि ट्रेड की गई उसके प्राइस में रिलेटिव चेंजेस किए गए हैं, कहाँ पर, होलसेल मार्केट में। ये रिलेटिव चेंजेस क्या होते हैं, रिलेटिव चेंजेस का मतलब होता है कि जब भी हम किसी भी कमोडिटी का कंपैरिजन करते हैं करंट ईयर का बेस ईयर से, ठीक है, तो वो उसका रिलेटिव चेंजेस कहलाएगा। तो इस प्रकार से हम WPI मेथड को यूज़ करेंगे कहाँ, होलसेल मार्केट के कंपैरिजन में। तो नेक्स्ट देखते हैं, इन इंडिया द होलसेल प्राइस इंडेक्स आर कैलकुलेटेड ऑन वीकली बेसिस।
इंडिया के अंदर होलसेल प्राइस इंडेक्स को वीकली बेसिस पर कैलकुलेट किया जाता है। नेक्स्ट, द डब्ल्यू पी आई इज ऑल्सो अप्लाइड टू कैलकुलेट द रेट ऑफ इन्फ्लेशन इन अ कंट्री। होलसेल प्राइस इंडेक्स को हमें किसी भी कंट्री में इन्फ्लेशन की रेट को कैलकुलेट करने के अंदर भी इसका हम यूज़ करते हैं। अब ये इन्फ्लेशन की रेट क्या है, वॉट इज़ रेट ऑफ इन्फ्लेशन, तो हम देखते हैं। होलसेल प्राइस इंडेक्स इज प्रिपेयर फॉर एवरी वीक। सबसे पहली बात तो यह है कि हर वीक होलसेल प्राइस इंडेक्स को प्रिपेयर किया जाता है। तो इसमें रेट ऑफ इन्फ्लेशन कैसे निकलेगा, बस एक सिंपल सा आपका ये मेथड है, होलसेल प्राइस इंडेक्स मेथड, ठीक है। इसके अंदर एग्जाम्स में यदि हमसे पूछेगा तो एक फॉर्मूला पूछ लेगा, ठीक, उसका फॉर्मूला हमें याद करना है। तो फॉर्मूला क्या है वो देख लीजिए, ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड इंटू हंड्रेड, ए टू माइनस ए वन डिवाइडेड बाई ए वन इंटू हंड्रेड, क्लियर। बस एक नॉर्मल सा हमें फॉर्मूला जो है ये रेट ऑफ इन्फ्लेशन का याद करना है। हमें ये हर चीज़ जो है वो क्वेश्चंस के अंदर गिवन होगी, ए टू गिवन होगा, ए वन हमें गिवन होगा, ठीक है। बस तो नॉर्मल सा ये हमारा मेथड जो है वो होलसेल प्राइस इंडेक्स मेथड है, क्लियर। ओके, नाउ हम नेक्स्ट मेथड जो है वो पढ़ने जा रहे हैं, इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन क्या है समझते हैं। इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज दैट इंडेक्स विच मेजर्स द रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज इन द लेवल ऑफ इंडस्ट्रियल आउटपुट। सबसे पहले उसको समझते हैं, इस लाइन को क्या बोल रहा है कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स नंबर है वो ये मेजर करता है कि इंडस्ट्रियल आउटपुट के लेवल में कितना रिलेटिव इंक्रीज और डिक्रीज हुआ है। हर जगह यहाँ पर इस टॉपिक में एक वर्ड यूज़ हो रहा है, रिलेटिवली चेंजेस, रिलेटिवली चेंजेस। इस रिलेटिव का मतलब होता है कि हम कंपैरिजन कर रहे हैं, दो ईयर हैं, एक तो बेस ईयर और एक करंट ईयर, यानी कि हम करंट ईयर के अंदर हम बात करेंगे बेस ईयर से कंपेयर करके, क्लियर। देखें आगे, इन इंडिया, ठीक है, और अ कंट्री इन कंपैरिजन टू द लेवल ऑफ प्रोडक्शन इन द बेस ईयर। वही बात जो मैंने आपको अभी बताई कि बेस ईयर के अंदर आपका क्या प्रोडक्शन लेवल है उसका हम कंपैरिजन करेंगे, ठीक है, यानी कि बेस ईयर से हम कंपैरिजन करेंगे किसका, करंट ईयर का, कि हमने पहले कितना प्रोडक्शन किया था और अब कितना प्रोडक्शन हुआ है, ठीक है। देन सेकेंड पॉइंट, दीज इंडेक्स नंबर टेल्स अबाउट द चेंजेस इन द क्वांटम ऑफ प्रोडक्शन। क्वांटम मीन्स क्वांटिटी, क्लियर। तो ये इंडेक्स नंबर जो है, ये इंडेक्स नंबर मीन्स यानी कि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का जो इंडेक्स नंबर है वो हमें बताता है किसके बारे में, कि प्रोडक्शन की क्वांटिटी में कितना चेंजेस हुआ है, क्लियर। नेक्स्ट थर्ड पॉइंट है, दीज इंडेक्स नंबर्स आर बेनिफिशियल इन एस्टिमेटिंग द ग्रोथ ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इन द इकोनॉमी। ये इंडेक्स नंबर जो है वो किसी भी इकोनॉमी में इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन की ग्रोथ के एस्टिमेशन को बताने के अंदर फ्रूटफुल है, ठीक है, यानी कि उस इकोनॉमी के अंदर इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो हुआ है उसकी जो ग्रोथ हो रही है उसका कितना एस्टिमेशन है, कितना मतलब हमें कितना प्रॉफिट हुआ है, तो ये इंडेक्स नंबर हमें ये बताता है। अब सबसे मेन चीज़ है, हमारे एग्जाम्स में यदि इसका क्वेश्चन आता है तो बहुत सिंपल सा फॉर्मूला इसका लग जाएगा, ठीक है। तो हम पढ़ते हैं, हाउ टू कंप्यूट और यू कैन से हाउ टू कैलकुलेट इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन। ओके, एक फॉर्मूले से इसको समझते हैं, ये फॉर्मूला भी हमने पहले पढ़ रखा है। इंडेक्स नंबर ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन इज इक्वल टू समिशन ऑफ आर डब्ल्यू डिवाइड बाई समिशन डब्ल्यू। अब यहाँ पर ये देखें, यहाँ पर आर जो है वो चेंज हो जाएगा। इससे पहले हमने आर का मीनिंग समझा था रिलेटिवली चेंजेस, ठीक, यानी कि रिलेटिव प्राइस, लेकिन यहाँ पर हम रिलेटिव प्राइस ना पढ़ के क्या पढ़ेंगे, क्वान्टिटी रिलेटिव्स, क्योंकि इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन है, प्रोडक्शन में क्या होगा बोलो, यानी कि इंडस्ट्री में क्या होगा, प्रोडक्शन, ठीक है, और प्रोडक्शन होगा तो कहीं ना कहीं हम क्वांटिटी की बात करेंगे। तो क्वांटिटी रिलेटिव्स का मतलब अब यहाँ पर हम क्यू की बात करेंगे, वही क्वांटिटी रिलेटिव्स का मीनिंग हो गया कि अगेन यहाँ पर हम करंट ईयर और बेस ईयर दोनों की बात करेंगे। तो क्वांटिटी वन मीन्स क्यू वन डिवाइड बाई क्यू ज़ीरो इंटू हंड्रेड, यह आर का फॉर्मूला हो जाएगा। क्यू वन मीन्स करंट ईयर क्वांटिटी अपॉन बेस ईयर क्वांटिटी इंटू हंड्रेड, ठीक। एक एग्जाम्पल से हम इस मेथड को समझते हैं। तो इंडस्ट्री के अंदर मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन, क्लियर, इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स और माइनिंग, ये तीन हमें इंडस्ट्री दे रखी है। इसके आउटपुट क्या है, तो ये हमें क्वेश्चंस है कि इतना इतना जो पोर्शन चल रहा है ना, ये आपका क्वेश्चनिंग फॉर्मेट है, ठीक है, ये हमें क्वेश्चंस में गिवन होगा और यहाँ से हमारा जो है वो सॉल्यूशन है, ठीक है ना। तो देखें एक बार, तो क्यू ज़ीरो मीन्स
जीरो का मतलब बेस ईयर और क्यू का मतलब क्वांटिटी, तो ये बेस ईयर की क्वांटिटी गिवन है, ठीक है। तो ये आपको दे रखा है 122, देन 203, देन 65, करंट ईयर क्वांटिटी 300, 487, और ये हमें वेट्स भी इस क्वेश्चन में अवेलेबल है, क्लियर, 85, 5 और 10। अब हमें आर मीन्स क्वांटिटी रिलेटिव्स जो है वो निकालना है, और आर कैसे निकालते हैं, Q1 डिवाइड बाई Q0 इंटू 100, तो इससे हमने आर निकाल ली। इंडस्ट्री जो है मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन करने की, उसके हमने कितना रिलेटिव ऑफ क्वांटिटी निकाली, 245.9। इलेक्ट्रिक प्रोडक्ट्स की कितना हमने आर निकाला, हुआ 97, एंड माइनिंग का 134, क्लियर। अब आर डब्ल्यू निकाल लेंगे, आर हमने निकाल लिया, डब्ल्यू हमें गिवन है, दोनों को मल्टीप्लाई कर दीजिए तो ये आपका आर डब्ल्यू आ जाएगा। जब हम इन तीनों का समिशन कर देंगे तो इससे हमारा सम टोटल ऑफ आर डब्ल्यू आ जाएगा, क्लियर, समिशन ऑफ आर डब्ल्यू, और समिशन ऑफ आर डब्ल्यू और हम डब्ल्यू का भी सम कर लेंगे तो ये आ जाएगा हमारे समिशन ऑफ डब्ल्यू, क्लियर। इसको हम फॉर्मूले में पुट कर देंगे, समिशन आर डब्ल्यू अपॉन समिशन डब्ल्यू, ठीक, तो इससे हमारा आंसर आ जाएगा 232.27, यानी कि हमने जो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन जो उसका इंडेक्स नंबर जो निकाला वो कितना निकाला, 232.27 अप्रोक्सीमेट। तो इस प्रकार से इंडेक्स नंबर जो है ऑफ इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन, तो इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन का इंडेक्स नंबर इस प्रकार से हम फाइंड आउट करेंगे, ठीक है। आई होप आपको ये वीडियो समझ में आया होगा, तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है कि इसको आप लाइक और सब्सक्राइब कीजिए, अपने सभी फ्रेंड्स को इसको शेयर कीजिएगा, ठीक, थैंक यू।